नमस्कार, आप सारे विद्यार्थियों को कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे। देखो मेरे भाई, बहुत सारे विद्यार्थी जो है एलपी को लेकर के, टेक्नीशियन को लेकर के और आरपीएफ को लेकर के काफी परेशान है कि हम एक सिलेक्शन वाली तैयारी कैसे करें। तो अभी हम इस वीडियो में 5 मिनट के अंदर में हम इसी बात पर बिल्कुल डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि हम लोग पहले ऑनलाइन पहले हम लोग कह सकते हैं प्रोटेस्ट किए, उससे सरकार कुछ बात को सुनी नहीं। उसके बाद हम लोग ऑफलाइन भी प्रोटेस्ट किए, सारे विद्यार्थी टीचर्स का भी सहयोग रहा, लेकिन फाइनली जो है निष्कर्ष वही निकला जो सरकार पहले से चाह रही थी। लेकिन सरकार का मानना है कि अब हम वैकेंसी ईयरली देंगे, है ना। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे का जो कैलेंडर कह सकते हैं आया था, उसमें आरपीएफ का कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि वैकेंसी कितनी आएगी, कब आएगी, नहीं आएगी। लेकिन पिछले दिन जो है आपका, हम कह सकते हैं 1 मार्च को आरपीएफ की वैकेंसी आई और उसमें कुल मिलाकर के 4660 पोस्ट देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं एक आसार जग रहा है कि धीरे धीरे करके, जैसे पहले एलपी दिया, फिर टेक्नीशियन दिया, फिर आरपीएफ की कांस्टेबल और एसआई की बाली आई, तो ये एक उम्मीद हम लोग को है कि हो सकता है ये चीजें जो है अलग अलग पार्ट वाइज करके सिक्वेंस में एक एक दो दो महीने के गैप पर हर वैकेंसी को आपके सामने वो दे दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीजें हर वर्ष देती है तो ये भी आप सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदे होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि हर वर्ष देती है तब, अगर हर वर्ष नहीं देती, नहीं देगी, तो कहने का मतलब इससे बेहतर हमारा पहले वाला ही होता था जो कि एक साथ इकट्ठा जो है बोरी भर भर कर वैकेंसी लगभग 1,70,000 ऐसे आया करता था। लेकिन अगर ईयरली अगर यही वैकेंसी अगर कुछ मोटा मोटी इसी संख्या में, इसी गिर्द गिर्द संख्या में अगर हर साल सीरियली तरीके से दे तो भी विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी को इसमें फायदा क्या है कि मान लेते हैं अगर इस वर्ष कुछ कारणवश अगर आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए तो आपके पास अगले साल फिर एक बार मौका है अपने आप को वहां पर प्रदर्शित करने का, तो फिर अगले साल आप प्रयास करेंगे, अगला साल हो जाएगा। अगर फिर भी मान लेते हैं अगर उस वर्ष भी सेकंड ईयर भी आपका नहीं हुआ तो फिर आप तीसरे साल प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि एसएससी वाले छात्रों द्वारा ये चीजें किया जाता है। चलो इस बार नहीं हुआ, अगले साल कर लेंगे, अगले साल नहीं हुआ, अगले साल कर लेंगे। तो अगर जिस प्रकार एसएससी कैलेंडर हर वर्ष देती है, अगर उसी प्रकार रेलवे भी अगर दे, प्रॉमिस तो किया है, अब आगे ऊपर वाला जाने, लेकिन यह लगातार अभी देखने को मिल रहा है एक निश्चित गैप पर। तो इससे एक उम्मीद जग रहा है कि एसएससी के पैटर्न पर रेलवे भी काम करें, तो फिर हमारे लिए, आप सारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए ये आपका बेस्ट है। तो भाई सबसे पहले यहां पर पॉइंट ये है कि एलपी की वैकेंसी 5696 आई है, टेक्नीशियन का 9000 आपका, और आरपीएफ का टोटल वैकेंसी 4660 है, जिसमें 4208 जो है कांस्टेबल के लिए है और 452 जो है आपका एसआई के लिए है। अगर आप इन सारे वैकेंसीज को अगर आप ऐड करते हैं तो 20,000 अप्रॉक्स, थोड़ा कम इससे है, वैकेंसी अभी तक रेलवे द्वारा दिया गया है। और मैं आप सबको बता दूं कि इसमें आप सब लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए और एक शानदार तैयारी के प्रति जो है लगिए, है ना। जैसे आप सबको मैं बता दूं कि एलपी में मैथ्स का बहुत बढ़िया रोल होता है, आरपी टेक्नीशियन में भी मैथ्स, मैथ्स और रीजनिंग आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसमें भी मैथ्स रीजनिंग आपका सीबीटी 1-2 में दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, और आरपीएफ में जानते हो यहां भी मैथ्स और रीजनिंग दिखेगा। बड़ी बात है, 35 गो मैथ और 35 गो रीजनिंग आरपीएफ में आपको दिखेगा। यानी कहीं ना कहीं अगर आप मैथ्स रीजनिंग को आप शानदार कर लेते हो, मैथ्स रीजनिंग को यदि शानदार कर लेते हो तो सिलेक्शन आपका यहां मैथ्स रीजनिंग से ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है आपका। कहीं ना कहीं मेरिट में आपको यही दो सब्जेक्ट लेके जाएगा आपका, तो आपको इन सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप सारे विद्यार्थियों के लिए मैं दो चीजें, पहला नंबर बैचेज और दूसरा नंबर टेस्ट जो है लेकर के आ गया हूं आपका, है ना। तो इसकी जानकारी आप थोड़ा यहां पर देख लीजिए, जान लीजिए। यहां पर देखिए मैंने क्या बोला कि यहां पर इन सभी के लिए बैच और प्लस में आपका टेस्ट सीरीज मैंने ला दिया है। यदि हम बैच की बात करें तो ये बैच जो आपका होगा वो रेलवे स्पेशल होगा, रेलवे स्पेशल होगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपका एलपी में काम करेगा, आपका
टेक्नीशियन में सिर्फ काम करेगा, आरपीएफ के में काम करेगा, ये आपका ग्रुप डी में भी आपका काम करेगा, समझे, आरआरबी जेई में भी आपका ये चीजें काम करेगा आपका। तो ये रेलवे स्पेशल बैच है और रेलवे के एग्जाम में जो भी गणित से सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा इस बैच के अंतर्गत आपको कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ की वैकेंसी अभी है तो उसके लिए आपका यह है, जब ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। संपूर्ण तैयारी आपका इस रेलवे बैच में हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर जो टेस्ट सीरीज आपका है, यह चीज आपको हम डेली देंगे, जानते हो, यूट्यूब पर, आपका यूट्यूब पर जो है आप सबको हम डेली देंगे। ये आपका जो टेस्ट सीरीज रहेगा वो बिल्कुल फ्री रहेगा, फ्री रहेगा, लेकिन ये जो बैच रहेगा चला वो रहेगा आपका पेड, ये बैच जो है आपका पेड रहेगा, ये पेड फॉर्मेट में रहेगा और एक बहुत ही मिनिमम और एफोर्डेबल फी के साथ आपका, समझे बात को, मिनिमम और एफोर्डेबल फी के साथ आपका यह बैच रहेगा। मैं आप सबको बता दूं कि यह जो बैच है रेलवे के लिए स्पेशल, इसमें आपको मैथ्स रीजनिंग दोनों हम लेकर के आए हैं और इसकी जो टाइमिंग रहेगा वो 12 से 2 पीएम आपका रहेगा, क्लियर है। पहले 12 से 1 आपको मैथ्स चलेगा और उसके बाद 1 से 2 आपका रीजनिंग चलेगा। ये आपका डेली 7 दिन क्लास चलेगा। कॉलेज सर स्टार्ट कब से हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका 4 मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है, 4 मार्च सोमवार से आपका स्टार्ट हो रहा है, बुझाया बात है, सोमवार से स्टार्ट हो रहा है। और ये बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपका है। अगर आप चाहते हैं कि इस बैच को हम ऑनलाइन परचेज करें, ऑनलाइन जुड़े इस बैच में, तो आपको यहां पर अंकुश सर ऑफिशियल, अंकुश सर ऑफिशियल अपना ऐप है, इसको डाउनलोड करके और यहां पर आपको जुड़ना है, समझे। इसमें आपकी इच्छा, आप चाहे तो मैथ्स को अलग ले सकते हो, रीजनिंग को आप अलग ले सकते हो या फिर कंबाइंड भी आप ले सकते हो, ठीक है। मैथ्स की फी जो है ऑनलाइन में आपका 600 है, रीजनिंग का आपका है 400 है ना। अगर आप कंप्लीट दोनों मिलाकर इकट्ठा लेते हो तो 750 में आपको मैथ्स रीजनिंग दोनों मिल जाएगा, क्लियर है बात। ये चीजें यहां पर है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन जो है आपका पटना में मुसल्लापुर आठ किसान कोल्ड स्टोर में अपने संस्थान में ये बैच आपका ऑफलाइन भी शुरू हो रहा है, सेम डेट से सेम टाइम पर आपका, है ना। यहां पर जो आपका फी है वो मैथ्स का आपका 1000 है, रीजनिंग का जो आपका है वो है कितना था जी, रीजनिंग का फी 700 है, सॉरी, रीजनिंग का फी जो है आपका 700 है और अगर आप कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग यदि आप करते हो तो 1250 में आपको ऑफलाइन मैथ्स रीजनिंग पूरे रेलवे का आपको कराया जाएगा आपका, समझे। और ऑनलाइन में कंप्लीट आप 750 में मैथ्स रीजनिंग पढ़ सकते हैं। और दूसरी नंबर बात, आप टेस्ट सीरीज जो है हर दिन आप यूट्यूब पर फ्री में दीजिए, डिस्कशन करिए, है ना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज भी आप सभी को देना जो है बैच के साथ साथ एकदम मैंडेटरी है आपका, है ना। तो कहीं ना कहीं इस बैच से आप जुड़िए सब लोग, यूट्यूब पर फ्री में आप टेस्ट वगैरह लगाइए, इससे आप सारे विद्यार्थियों की तैयारी बिल्कुल सिलेक्शन के लिए होगी और आप एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, है ना। बस इतनी बात आप सबको बतानी थी और आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन होगा, क्योंकि इतनी जो भीड़ दिखती है वो बस आपका कह सकते हैं दिखावे की होती है, उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। यदि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, एवरेज से ऊपर का आप स्टूडेंट हो, तो आपका सिलेक्शन इसमें निश्चित है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद भाई।